अमेरिका के बाल्टीमोर में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बड़े कार्गो शिप की टक्कर के बाद एक बड़ा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उसी वक्त का फुटेज देख रहे हैं जब कार्गो शिप पुल से टकराया और पुल गिर गया। वीडियो में दिख रहा है कि शिप पुल के एक पिलर से टकराता है और चंद सेकेंड्स में पुल ढह जाता है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, पुल पर कई गाड़ियां चल रही थी जो नदी में गिर गई। इस हादसे के बाद नदी में गिरे कम से कम 20 लोग लापता हैं। हादसे के बाद शिप में भी आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाल्टीमोर शहर के पटाप्स्को नदी पर बना फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज वर्ष 1977 में खुला था। इस पुल की लंबाई करीब 9000 फीट और नदी से ऊंचाई 180 फीट थी। इस पुल से टकराने वाला शिप सिंगापुर का था जो श्रीलंका जा रहा था। शिप और पुल के बीच टक्कर का कारण अभी सामने नहीं आया है। अब इस हादसे को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं और इसमें साजिश वाले एंगल को भी खंगाला जा रहा है। Zee News.